प्राइमरी स्कूल बेनिया मैं बाजार अयोध्या में एक बार फिर से स्वागत है। नमस्ते बच्चों, इस वीडियो में हमने हिंदी के पर्यायवाची बताए हैं कि उसको कितनी आसानी से आप याद कर सकते हैं, उसकी विधि हमने बताया है। हिंदी पर्यायवाची का ये भाग एक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें पहला है, आप चित्र देख रहे होंगे कि पृथ्वी बनी है और नदी का चित्र बना है। इसमें पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होता है आप देखिए, भूमि, भू, धरा, धरातल, धरती और पृथ्वी, और पृथ्वी का चित्र भी बना हुआ है। इससे आप आसानी से बच्चे को बता सकते हैं कि ये पृथ्वी है, इसका ये पर्यायवाची होता है। अब इसमें दूसरा है नदी, नदी का चित्र बना हुआ है, इसमें नदी का पर्यायवाची बताया गया है। पहला है नदी, सरिता, तटिनी, तरंगिणी। तो इस पेज में दो पर्यायवाची बताया गया, पृथ्वी का और नदी का। बच्चे इसे याद कर सकते हैं या अपनी वर्कबुक में लिख सकते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें है सूर्य और चंद्रमा, इन दोनों का पर्यायवाची इसमें बताया गया है, इनका चित्र भी बना है। सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है, सूर्य, सूरज, रवि, दिनकर और भास्कर। दूसरा है चंद्रमा, चंद्रमा का पर्यायवाची चांद, चंद्रमा, राकेश, शशि और सुधाकर, और चंद्रमा का चित्र भी इसमें है। तो इसमें भी दो पर्यायवाची हो गया, आप इसे याद कर सकते हैं और इसे भी अपने वर्कबुक में लिख सकते हैं, जिससे आप भविष्य में याद रख सकें और अपने वर्कबुक में भी ये चित्र बना सकते हैं। तो बच्चों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है उनको धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है उनसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको भविष्य में हमारा और वीडियो मिलता रहे। जैसा कि हमने इस वीडियो के शुरुआत में बताया था कि ये हिंदी पर्यायवाची का भाग एक है, अब अगले वीडियो में इसके आगे बताया जाएगा। धन्यवाद।